हेलो स्टूडेंट, वेलकम आई यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3A मॉडल के बारे में कि 3A मॉडल क्या है, इसका यूजेज के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसके यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलती है। स्टूडेंट अगर चैनल में नहीं आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत जरूर वीडियो को देखें क्योंकि ये 3A के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ ये वीडियो बनाया हूँ। ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो 100% गारंटी साथ आपको ये वीडियो में पूरी तरीके से 3M के बारे में समझ में आएगी और किसी और को वीडियो को देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि 3M मॉडल क्या है, मतलब 3M क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी, बता लिखी भी क्या है 3M के बारे में कि 3M जिसका मतलब मूरी मूरा मुदा होता है, ये एक जैपनीज शब्द है जिसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम द्वारा 1992 में ताइची ओनो और इजी टोयोटा द्वारा पहली बार पेश किया गया था। मतलब कहने का मतलब है 3M का मतलब 3 M होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 M है और पहला M का मतलब होता है मूरी, यहाँ पर दूसरा M का मतलब मूरा और तीसरा M का मतलब मुदा होता है। ये एक तरह का जैपनीज शब्द है, जैपनीज वर्ड बोल सकते हैं इसे, एक तरह का जो पहली बार 1992 में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ताइची ओनो इजी टोयोटा द्वारा पहली बार इसे हम लोग यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, आखिर में इसे क्यों लॉन्च किया गया था, नीचे पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा इस सिस्टम में ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहे वेस्ट को कम करना और ऑटोमेशन द्वारा कार्य करके प्रोसेस को ज़्यादा लाभ अर्जित कराना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मेन इसका काम थे कि जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में वहाँ पे जो भी यहाँ पे जो वेस्ट हो रही है, जो हम लोग कार फैक्ट्रिंग कर रहे हैं, कार को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं या फिर जो भी वेस्टेज जा रही है उसको कम करना है और ज़्यादा पैसा को अर्जित करना है और कंपनी को ज़्यादा मुनाफा प्रदान करना है। ठीक है, मेन पर्पस इसका यही था, वेस्ट को कम करके ज़्यादा पैसा को अर्जित करना, कंपनी को ज़्यादा मुनाफा में अर्जित करा के पैसा यहाँ पे दुगना कराना। ठीक है, मेन यहाँ पे पर्पस यही था। देख सकते हैं यहाँ लिखी भी गया कि इसमें 3 जैपनीज वर्ड को शामिल किया गया है जिसको 3M कहते हैं, मतलब 3 को जैपनीज जो वर्ड है मूरी मूरा मुदा, एक तो शॉर्टकट भाषा में 3M कहा जाता है। ठीक है, मेन पर्पस इसका यही होती है, वेस्ट को कम करके पैसा अर्जित करना, मतलब ज़्यादा मुनाफा कमाना कंपनी को। ठीक है, इसका यूज की अगर बात करते तो इसका कंपनी में यूज किया था, फैक्ट्री इंडस्ट्री में किया जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज किया था, जहाँ पे कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको मूरी मूरा पर चलना है, आपको वेस्टेज को कम करना है और ज़्यादा पैसा मुनाफा कमाना है, तो यहाँ पर 3M को आपको यहाँ पे लॉन्च करना होगा अपनी कंपनी में, ये प्रोसेस को यहाँ पे लॉन्च कराना होगा। ठीक है, ये एक तरह का टेक्निक बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, आखिर में ये तीनों का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिख के बताइए, जैपनीज वर्ड में देख सकते हैं यहाँ लिखी हुई है कि मूरी होता है, इंग्लिश में ओवर बर्डन बोल सकते हैं और हिंदी में जोरदार प्रयास बोल सकते हैं या अधिक बोझ डालना बोल सकते हैं। ठीक है, मूरा देख सकते हैं यहाँ पे जैपनीज वर्ड में लिखा हुआ है, इनकंटेंसी यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में असंतुलन लिखा हुआ है, मतलब कोई भी संतुलन पे नहीं चलना। ठीक है, और यहाँ तीसरी यहाँ देख सकते हैं जैपनीज वर्ड में मुदा लिखा हुआ है, इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं और हिंदी में बर्बाद बोला जाता है, किसी चीज़ को वेस्ट कर देना। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पे 3M का मतलब होता है। चलिए हम तीनों के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मूरी का मतलब क्या था, मूरी के मैंने यहाँ पर लिख के बताइए लिखा हुआ क्या है।